स्टार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, न्यू 21 के सभी दर्शकों का हमारे विशेष कार्यक्रम सार में स्वागत है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपने संघर्ष के बलबूते राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है, बिजनेस के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान लघु उद्योग के चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी। राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ हैं इस खास मुलाकात में, इस खास बातचीत में। अरोड़ा साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ 21 पर। धन्यवाद। मेरा सवाल सबसे पहला तो मैं आपको बधाई दे दूँ कि कल आपका जन्मदिन है। जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई न्यूज़ 21 की पूरी टीम की ओर से और पूरे देश की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सबका, आपकी शुभकामनाओं के लिए। आपका समर्थन, आपका शुभकामना मेरी ताकत है। सर, सवाल ये है कि मैं किस राजीव अरोड़ा से बात कर रहा हूँ? एक राजनीतिज्ञ से बात कर रहा हूँ, एक जनता का सेवा भावी उस शख्स जो मालवीय नगर नहीं, पूरे राजस्थान के आम लोगों के दिलों में राज करता है, या लघु उद्योग के चेयरमैन से बात कर रहा हूँ, या फिर कॉमर्शियल के जो आप सलाहकार उससे बात कर रहा हूँ, या आप समाज के एक बहुत बड़े एक प्रखर वक्ता है, पार्टी के प्रखर वक्ता, या कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेताओं में आपकी गिनती, किससे बात कर रहा हूँ? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ जो हमेशा से राजनीति में, सामाजिक जीवन में आया जनता की सेवा के लिए। तो राजनीति भी जनता की सेवा का माध्यम है, जो सामाजिक कार्यक्रम करता हूँ वो भी जनता की सेवा का माध्यम है, और जो मैं व्यापार करता हूँ वो भी जनसेवा के लिए करता हूँ। यहीं पे लर्न करा, यहीं पे अर्न करा, यहीं पे रिटर्न करना है। लर्निंग, अर्निंग, रिटर्निंग मेरी फिलॉसफी है। इसमें सारी बात आ जाती है, क्योंकि राजनीति मेरा पेशा नहीं है, बहुत सारे लोगों का होगा। मैं काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं सद्भावना का सिपाही हूँ। सबसे पहला मेरा हाथ उठना चाहिए जहाँ पे पीड़ित मानवता हो, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत हो। प्रेम, शांति, सद्भावना के लिए मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जयपुर एक ग्लोबल ब्रांड बने। जयपुर के अंदर ऐसी अपार संभावनाएं हैं कि ये कल्चरल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री हो सकती है। दुनिया के अंदर लोग इसको जाने, जयपुर के लोग स्वस्थ रहें, अच्छे वातावरण में जिएं, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने हमको चिरंजीवी योजना ला के दी, जिसमें 25 लाख रुपए तक का बीमा भी शामिल है। मैं उससे भी आगे बढ़ के एक बात करता हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि व्यक्ति बीमार क्यों पड़े, तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी कार्यशाला शुरू करूँ, ऐसा काम शुरू करूँ जिससे कि लोगों का समय समय के ऊपर ब्लड टेस्ट हो, चेकअप हो। जो हमारे यंग बच्चे हैं 8 साल तक 18 साल तक के, उनको शुरू से पर्यावरण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसे कहा जाता है ना। तो जो अस्पतालों में दबाव इसलिए पड़ता है कि हम कोशिश नहीं करते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे के जो पार्क हों उनके अंदर ओपन जिम हो, वहाँ पर योगा का अभ्यास हो, लोग जाने वहाँ पर जाके। मैं आपको यहाँ एक बार रोकूं। मैं जहाँ तक राजीव अरोड़ा को जानता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से जहाँ तक आपको जानता हूँ, आप गहलोत साहब के यूनिवर्सिटी से तब से आप उनके साथ रहे, तब से आप जानते हैं कि कहा जाता है कि अरोड़ा जी को राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। कितनी सच्चाई है क्या? राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जनता की सेवा की बहुत बड़ी मेरी इच्छा है। क्योंकि एक जीवन में आप वो काम कर नहीं सकते, लेकिन हम सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। जब आपको राजनीतिक रूप से ताकत मिलती है तो आप निश्चित रूप से लोगों के लिए काम कर सकते हैं। मैं जैसे अंगदान के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लोगों को खाना खिलाने के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये कैसे पूरा होगा? ये तब पूरा होगा जब सीढ़ी आपके लिए राजनीतिक सेवा की सीढ़ी है, और राजनीतिक अगर आपका कोई प्रभाव होता है वो उसका उपयोग 100% जनता की सेवा के लिए होना चाहिए। विधानसभा में, लोकसभा के अंदर मेरी आवाज़ उठे जयपुर की जनता के लिए, राजस्थान की जनता की खुशहाली के लिए, वो मेरी इच्छा है। बात पॉलिटिकल चल ही गई है तो मैं आपसे दो सवाल मेरे होंगे। लघु उद्योग के आप अध्यक्ष, और जब आपने पदभार संभाला था तो आपने कहा था कि लघु उद्यमी निर्यातक बने, निर्यात करें, उनका एक्सपोर्ट बढ़े, राजस्थान का नाम हो। कहाँ तक आप सफल हो पाए? 11 फरवरी 2022 को आपने पदभार ग्रहण किया था, उससे लेके अब तक
कितना सफल मानते हैं? देखिए, आपने मेरे बारे में काफ़ी अध्ययन करा है, मुझे खुशी है इस बात की। पहली चीज़ तो बताना चाहता हूँ कि राजस्थान लघु उद्योग निगम जो है वो 1961 में बना था, 62 वर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा लाभ इन दो वर्षों में हुआ है जब मैं यहाँ का चेयरमैन बना हूँ। तो ये इस बात को बताते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कार्यकुशलता की छाप हर जगह छोड़ सकूँ। और उसके बाद मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया। राजस्थान पिछले 5 साल का जो राजस्थान की सरकार बनी कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, उस वक्त हमारा एक्सपोर्ट लगभग 40,000 करोड़ का था, आज वो बढ़कर 78,000 करोड़ हो चुका है, लगभग दुगना। और जब पूरे देश के अंदर निर्यात पे चैलेंज है, निर्यात कम हो रहा है, तब भी हमने निर्यात बढ़ाया है। कोरोना के समय में 37% निर्यात हमारा बढ़ा, क्योंकि कोरोना का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था और हमने कोशिश करी मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो का मतलब है कि जो व्यक्ति खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है वो दिल्ली बम्बई के या हैदराबाद के एक्सपोर्टर को सामान नहीं देके खुद एक्सपोर्ट करे, डायरेक्ट करे। उसकी हम कार्यशाला लगाते हैं, हमने एक इंटरनेशनल एक्सपो लगाया जोधपुर में, नेरूबी के अंदर इंटरनेशनल एक्सपो लगाया, ईस्ट अफ्रीका, इंडो ईस्ट अफ्रीका एक्सपो, उसका लाभ ऑलरेडी दिखने लगा है। एक्सपोर्ट की बात करें, जो आप बात कर रहे हैं, आपको मैं आपको खुद को उसमें जज करता हूँ, 10 में से नंबर दें, आप कितने दें अपने आप को? राजस्थान से था जो उद्देश्य, राजस्थान लैंड लॉक स्टेट में 4th नंबर पर पूरे देश में, मेरे ख्याल से जो पिछले 8-10 महीने में। सर मेरा सवाल है, मैं बता रहा हूँ, 8-10 महीने जो मैंने काम अचीव करा है वो 10 में से 10 नंबर के लायक है, लेकिन मैं कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, इसलिए मैं उसको 8 नंबर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में राजस्थान का एक्सपोर्ट 1,00,000 करोड़ पहुंचे, तब मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। अरोड़ा साहब, बात राजनीति चल रही है, राजनीति से जुड़े हुए हैं, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से आप टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस के सशक्त उम्मीदवारों में से एक माने जा रहे हैं, और जहाँ तक हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप वहाँ उम्मीदवार बने और जीत ग्रहण करें। और मेरी खुद की पर्सनल है, मैं एक News 21 के माध्यम से देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज आप लघु उद्योग राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री बने, हम खुद चाहेंगे, और जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपकी उम्मीदें पूरी हों। लेकिन क्या लगता है राजस्थान को जिस तरह से आज पार्टी में, मैं क्राइसिस की बात नहीं करूंगा, लेकिन पायलट गुट अलग है, गहलोत साहब का अलग है, सरकार को बहुत दिनों तक होटलों में रहना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा सरकार चलाने तक के लिए, तब कहाँ देखते हैं कांग्रेस को? देखिए, राजनीति जो है एक रोलर कोस्टर की तरह है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक फेज़ आया था तब संकट के बादल छाए थे, आज राजस्थान की कांग्रेस पार्टी एक है, एकजुट है, मजबूत है। कोई सर राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि पायलट साहब की खामोशी आने वाले तूफान का संकेत है। बिल्कुल खामोशी नहीं है, वो पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार बनाने के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, उनका एक बड़ा राजनीतिक कद है, इससे कोई भी जना इनकार नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जिनसे मुकाबला है वो बटा हुआ हाउस है, उनका मालूम नहीं कैप्टन कौन है, कौन गोलकीपर है, कौन फॉरवर्ड है, वहाँ पे हर कोई जना गेंद लेके भग रहा है। अरोड़ा साहब का सीधा सीधा बीजेपी पे आ गए हैं, बीजेपी भी बात होगी, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा राजेश, News 21 के स्टेट कोऑर्डिनेटर मोहन सेठिया जी की तरफ से राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री राजीव अरोड़ा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सूर्यवंशी सगन लाल डोडा जी की तरफ से जन जन के लाडले राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री राजीव अरोड़ा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आहूजा ओवरसीज के निदेशक विजय आहूजा जी की तरफ से जन जन के लाडले राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता
श्री राजीव अरोड़ा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद गिलहोत्रा जी की तरफ से जन जन के लाडले राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री राजीव अरोड़ा जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अरोड़ वंश सभा के अध्यक्ष गुलशन बागला जी की तरफ से जन जन के लाडले राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री राजीव अरोड़ा जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा जो लघु उद्योग के चेयरमैन हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने राजनीतिक जीवन के 50 वसंत पूरे कर रहे हैं। कल उनका जन्मदिन भी है, जैसा कि हम शुरू में अपने दर्शकों को बता चुके हैं। बात राजनीति के धरातल की कर रहे हैं। कहते हैं कि राजनीति के धरातल पर जमीन पर जितना वो उतना मिलता है, कई गुना देती है राजनीति, चाहे सेवा हो, चाहे नफरत हो, चाहे फिर प्यार। बात कर रहे थे अपोजिट पार्टी, कोई गोलकीपर नहीं है, कोई कैप्टन नहीं है, ये बिखरा हुआ हाउस है। हालात दोनों ही पार्टियों में है, बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल ये प्रश्न लीजिए, हालात दोनों ही पार्टी, समस्या एक है, पार्टियां दो है। यहाँ पायलट साहब है, वहां वसुंधरा जी हैं, क्या मानते हैं? काश वसुंधरा जी होती, कुछ शायद खेल का मजा आता। अभी तो वसुंधरा जी को मैदान के बाहर में क्या रखा है। तो ये माना जाए कि कांग्रेस का सामना बिना कप्तान की टीम के, जनता ये मानती है और इसलिए बहुत भ्रमित है, बहुत सोचती है कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है राजस्थान को इस तरीके से कैप्टन विहीन टीम के संग मैदान में उतार दिया, वो भी एक राजनीति के चतुर खिलाड़ी अशोक गहलोत के सामने। तो मेरा मानना तो ये है कि ये कोई बहुत अच्छी सोच तो हो नहीं सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सोच नहीं है या नेतृत्व को वसुंधरा जी में विश्वास नहीं है, ये तो उनकी अंदरूनी बात है, उनको मालूम होगा। आम जनता जो सोचती है, मैं एक नागरिक की तरह सोचूँ, एक राजनेता की तरह नहीं सोचूँ, तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई काम होगा तो जो स्थानीय नेता है मैं उसके पास जाऊंगा अपने काम के लिए। तो जनता कैसे केंद्रीय नेताओं के पास जाएगी अगर उनको बिजली, पानी, सड़क कोई चीज़ की आवश्यकता होगी, तो जो लोकल उनका नेतृत्व है, स्थानीय राजस्थान नेतृत्व है, वो मजबूत होना चाहिए। और 5 साल में जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी उसको निभाने में मुझे लगता नहीं कि लोग सफल रहे। जो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर सरकार घेर सकें, 5 साल में नहीं आया। अरोड़ा साहब का ये मानना है कि कांग्रेस का सामना उस टीम से है जिसका कोई कैप्टन नहीं, जिसका कोई फिलहाल आधार नजर नहीं आता है कि किस नाम से वोट मांगने जनता के सामने आएंगे। अरोड़ा जी, एक चीज आप बताएं, क्या आपके यहाँ फाइनल है कि मुख्यमंत्री गहलोत साहब होंगे, गहलोत साहब के नेतृत्व में चुनाव हो? चुनाव अभी निश्चित रूप से गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो 5 साल राजस्थान में जनता की सेवा करी, जो कोरोना का मैनेजमेंट करा, जो नई स्कीम्स वो लेके आए, उसके आधार पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से आज की तारीख में तो लोग के पास अब जा रहे हैं जो सरकार ने काम करा उसके लिए वोट मांग रहे हैं। चुनाव के बाद क्या होता है वो अलग बात है। आज की तारीख के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार के अच्छे काम, उनकी पारदर्शी जवाबदेह शासन के ऊपर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में मत मांगने के लिए जारी है। युवाओं से, महिलाओं से, स्पोर्ट्समैन से, किसान से,
ग्रामीण जनता से, शहरी जनता से जिस तरीके का विकास हुआ है, आज सर्वे में मुख्यमंत्री जी के साथ था, जयपुर को इतनी सौगातें उन्होंने दी हैं, कोई मुख्यमंत्री ने आज तक जयपुर के विकास के लिए इतना काम नहीं करा। सर, आपने युवाओं की बात की, आपने किसानों की बात की, आपने बात क्यों नहीं की पेपर लीक की, आपने बात क्यों नहीं की किसानों को जो कर्ज माफ़ करना था राहुल गांधी जी ने चुनाव में 10 दिन में माफ़ करने, बहुत सारे किसान अभी भी ऐसे हैं। मैं जवाब देता हूँ आपकी बात का, मैं बिल्कुल भी सवाल से दूर रखता नहीं हूँ। पेपर लीक के मामले में पूरे देश के अन्य राज्यों में भी हुए हैं, जितना तुरंत और जितनी त्वरित और जितनी कठिन कठोर कार्रवाई राजस्थान में हुई है कहीं पर नहीं हुई। किसानों के जो सहकारी बैंकों के कर्जे थे वो माफ़ कर दिए गए हैं, बिजली का बिल आपको मालूम है शून्य के माफिक आता है, शेड्यूल्ड बैंक केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं, बड़े बड़े नेशनलाइज्ड बैंक जो होते हैं उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार उनको है, तुरंत लिया जाना चाहिए था। जब कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपये के अंदर गैस का सिलेंडर देना शुरू करा तब केंद्र सरकार की आँख खुली, तब उन्होंने 200 रुपये दाम कम करे हैं। मुझे समझ में नहीं आता इतनी देर क्यों होती है, हमारे टाइम में क्रूड ऑयल के दाम क्या थे, इस जमाने में क्रूड ऑयल के दाम क्या रहे, हमारे सामने पेट्रोल के दाम क्या थे, इसमें दाम क्यों रहे? कोई दूसरा तरीका नहीं है क्योंकि खाली पेट्रोल डीजल एल्कोहल पे वैट लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है। आपको मालूम है किस तरीके का सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार का राज्य सरकार के साथ करा जाता है। जो आज की तारीख में हमारा वैक है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे कम है। अरोड़ा जी, आखिरी 2 सवाल मेरे हैं। कहते हैं कि एक विधायक या एक सांसद जब कोई चुनाव लड़ने की सोचता है, कोई पार्टी से टिकट मांगता है, तो उसके क्षेत्र के लिए वो कई सपने रंग भरना चाहता है, अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए। वो कौन से सपने हैं, वो कौन से रंग हैं जो आप देखते हैं मालवीय नगर की जनता के लिए? मैंने आपको शुरू में बताया था जो आज काम हो रहा है मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचता हूँ। 8 साल से 18 साल का जो बालक बालिकाएं हैं वो मेरे वोटर नहीं हैं, लेकिन कल को वो वोटर बनेंगे, देश के नागरिक बनेंगे। देश को विश्वगुरु बनाना है तो वो स्वस्थ हों, उनको हाइजीन के बारे में मालूम हो, उनको पर्यावरण के बारे में मालूम हो, उनको हमारी विरासत के बारे में मालूम हो। जो जनता आम जनता है, मैं जैसे पहले कहा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उनकी स्वास्थ्य के बारे में मैं सोचूंगा, उसकी मैपिंग कराऊंगा और पता करूंगा कि किस तरीके की बात हमको जनता से करनी चाहिए कि कैसे वो जो आज आधुनिक शैली की जो बीमारियां होती हैं उनसे दूर सके, लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती है उनसे दूर कर सके। जो मेरा हमेशा मुद्दा रहा है अंगदान का, जिसपे हमने अभी 1,78,00,000 लोगों को शपथ दिलवाई है अंगदान महादान के लिए, इस तरह काम कर जुड़ेंगे। और इस क्षेत्र की सुरक्षा, यहाँ पे भूमि का जो नियमन है, जो पट्टे नहीं मिले उनके बारे में बात करना, सीवरेज की समस्या को दूर करना, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या थी उसके लिए ऑलरेडी कोटा की तरह जयपुर को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा काम मालवीय नगर में होगा। राजस्थान में मेरा एक लक्ष्य है मालवीय नगर सबसे सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र होगा, मॉडल क्षेत्र होगा। अरोड़ा जी का ये कहना है और ये कमिटमेंट है जनता से उनका। मैं अपने टीवी के माध्यम से, अपने दर्शकों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर की राजधानी मैं कहूँगी मालवीय नगर, जैसा कि आप सोच रहे हैं, आपका ख्वाब आपके सपने हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे, नहीं लेकिन सबसे, सब में आप भी हैं नहीं भी हैं, आज के नेता चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, निर्दलीय हो, कम्युनिस्ट हो, इस देश को कहाँ ले जाएंगे? क्यों इतनी नफरत, क्यों इतने हालात? अगर देखा जाए, कि मैं मीडिया के माध्यम से एक पत्रकार होने के नाते सोचूं, कहाँ ले जाएंगे सर? देखिए, मैं तो सद्भावना का सिपाही कहलाता हूँ। पूरे देश में मेरी पहचान प्रेम शांति सद्भावना के दूत के रूप में है। मैं चाहता हूँ कि सभी धर्म जाति के लोग साथ मिलकर रहें, एक दूसरे से नफरत बंद करें। राहुल जी भी ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने में चला हूँ, तो मेरा तो उद्देश्य हमेशा रहेगा कि यहाँ पे सांप्रदायिक तनाव ना हो, आपस में भाईचारा हो। और ख़ास तौर से मैं जो हमारी बहनें हैं उनको एक तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि महिला आरक्षण विधेयक आए, वो कल विधेयक पास हो गया लोकसभा के अंदर, आज राज्यसभा के अंदर भी पारित हो गया होगा।
महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला का स्वास्थ्य, और एक शिक्षित महिला है तो परिवार शिक्षित है, परिवार शिक्षित तो समाज शिक्षित है, समाज शिक्षित तो देश शिक्षित है, उसके ऊपर मैं काम करूँगा। हमको नफ़रत से दूर जाना चाहिए। हमारा जो संविधान है वो भाईचारा सिखाता है। हमारे जो नेता थे, महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, वल्लभ भाई पटेल हों, सुभाष चंद्र बोस हों, उन्होंने देश की एकता की हमेशा बात करी है। इस देश को अक्षुण्ण रखना है, मजबूत रखना है और आगे विश्वगुरु बनाना है। इस देश को अक्षुण्ण रखना है, प्रेम बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है। चलते चलते राजीव अरोड़ा साहब के लिए मैं एक, माफ़ कीजिएगा, दो बात कहना चाहूँगा कि हर राह से वाकिफ़ है, हर राह कयामत है, जीने के लिए पल पल मरना मेरी किस्मत है, क्या छीन सकेंगे आप होठों की हंसी इनकी, दुनिया के सितम सहकर हंसना इनकी आदत है। कुछ ऐसे हैं राजीव अरोड़ा। धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार, धन्यवाद सर।